अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक जानलेवा हमला हुआ और वो बाल बाल बच गए। एक रैली के दौरान हमलावर ने उनको निशाना बनाते हुए गोली चलाई जो उनके कान को छूते हुए निकल गई। गोली लगने के बाद वो वहीं पर गिर गए। सारी की सारी सुरक्षा व्यवस्था धरी की धरी रह गई और डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला करने में वो शख्स कामयाब रहा। हालांकि बाद में उसे भी मार गिराया गया। चौदह जुलाई 2024, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका। अमेरिका के इतिहास में दर्ज हुई एक और तारीख। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला। अमेरिका के खूनी इतिहास में एक और तारीख दर्ज हो गई। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब अमेरिका अपनी आजादी की वर्षगांठ मना रहा था। Take a look at what happened. महज 10 दिन बीते थे और पेंसिल्वेनिया में ऐसा हमला हुआ कि पूरा का पूरा अमेरिका थर्रा गया। Take a look at what happened. सारी की सारी सुरक्षा धरी की धरी रह गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाई गईं। दुनिया की सबसे बेहतर सुरक्षा करने वाली एजेंसी मानी जाती है सीक्रेट सर्विस, और उसकी नाक के नीचे उसके सभी सुरक्षा घेरों को तोड़ते हुए एक 20 साल के शूटर ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के संभावित राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर अपने गन लेकर सुरक्षा करते रह गए और अमेरिका के इतिहास में एक और खूनी तारीख दर्ज हो गई। डोनाल्ड ट्रंप 2007 से 2012 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं और वो इस बार भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी रैलियां कर रहे हैं। अपने चुनावी अभियान में वो पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर नाम की जगह पहुंचे थे जहां वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी गोलियां चली और वहां अफरा तफरी मच गई।